हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज ही बहुत ही एक अच्छी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा अनकॉमन हो सकता है। और वो क्या चीज़ है दोस्तों? दोस्तों, चीज़ ये है, आप लोगों को इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो ऐसे मिले होंगे जिसपे हम लोग जो हो कैसे आप एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, एक्सेल में बना सकते, वो हमने पहले सीखा है। आज हम लोग सीखने वाले हैं आप कैसे एक्सेस, जो कि एक डेटाबेस प्रोग्राम है जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है ओनली ऑन डेटा एंट्री के लिए, वहाँ पे आप कैसे एक सिंपल वे में, एक सिंपल तरीके का आई कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो, उसी तरीके में आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को आखिर में बने रहिए और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमने वो एक्सेस ओपन कर लिया। उसके बाद ब्लैंक डेटाबेस से आपको एक टेबल क्रिएट कर लेना है, जो डिटेल्स आपको लगता है कि आप अपने जो है टेबल में, आईडी कार्ड में दिखाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ पे सेव कर लेते हैं आईडी कार्ड से। ठीक है, आईडी कार्ड से सेव कर लिया और यहाँ से हमने पहले दे दिया नेम, उसके बाद इसको टेक्स्ट, उसके बाद हम डालेंगे फादर्स नेम, इसको भी टेक्स्ट, उसके बाद हम डालेंगे एड्रेस, इसको डालेंगे मीमो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे क्लास, उसका क्लास भी यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देते हैं, और आखिर में डालेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, जो कि होगा नंबर, और इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जाना है, आपको जाना है क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपको जाना है रिपोर्ट डिजाइन में। रिपोर्ट डिजाइन पे अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, आपका साइज जो है, आप जो साइज बनाना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है ना, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने क्या किया, इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपने एडमिट कार्ड के, आइडेंटिटी कार्ड के लिए। उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक कलर पैनल लाऊँगा बैकग्राउंड के लिए, जो कि मेरे बैकग्राउंड पे दिखेगा, मेरे बैकग्राउंड पे दिखेगा। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे कहाँ, डिज़ाइन से हम जाएंगे यहाँ पे लोगो वाले आइकन पे। इस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से जो है मेरा जो मैं जो पिक्चर लगाना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे। ठीक है, इसको लगाने के बाद इसको यहाँ पे ले आऊँगा और इसका जो है इसको हम क्लोज कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल ही छोटा कर लेते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, इसको आपको जो है अपने हिसाब से, जो आप जितने भी साइज का एडमिट कार्ड यहाँ से बनाना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मान ली मैंने इतना एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो करना है यहाँ पे हेडिंग लगाना है कि ये क्या है, मतलब आईडी कार्ड का हेडिंग लगाना है। वो आप कैसे लगाओगे, उसके लिए आपको जाना होगा डिज़ाइन से लेबल लेना होगा आपको। ठीक है, लेबल ले लीजिए यहाँ से। लेबल लेने के बाद यहाँ पर आपको करना है उसको ड्रॉ, और यहाँ से आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो आपको लिख देना है। ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो टेक्स्ट है वो आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, थोड़ा स्टाइल भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला स्टाइल इसका रख लेते हैं, और इसका जो साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसका जो विड्थ है। ठीक है, हो गया आपका जो है आई कार्ड वाला जो है एक्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हेडिंग आपका आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको आपका जो फोटो है वो आपको पहले यहाँ पे फोटो का जो घर है उसको आपको सही करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा एड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में। ठीक है, यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपका जो टेबल का नाम है यहाँ पर देख सकते हो, आई डी कार्ड, यहाँ पे आईडी कार्ड शो करेगा। इसके अंदर जो प्लस वाला आइकन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फोटो वाला जो दोस्तों हमने फोटो लिया ही नहीं है। ठीक है, फोटो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फोटो ले लेते हैं यहाँ से डिज़ाइन, इसको सेव कर लेते हैं, और फोटो जो है फोटो यहाँ से ले लेते हैं आराम से। यहाँ पर आखिर में हम ले लेंगे फोटो, और यहाँ पर अटैचमेंट। ठीक है, सेव कर लिया इसको। उसके बाद दोस्तों फिर से डिज़ाइन को ओपन करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं, और इसे ऐड एग्जिस्टिंग लीड्स आईडी कार्ड के प्लस में क्लिक करेंगे। जो फोटो है
उसको हम राइट क्लिक करके करेंगे ऐड फील्ड टू व्यू। देखिए यहाँ पे जो फोटो है इसको आपको डिलीट कर देना है, छोटा वाला बॉक्स को। ये जो फोटो सेक्शन है इसको आपको यहाँ पे एक कोने में यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपका जो साइज है फोटो का उस तरीके से आपको थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी जो है आपका बाकी के फील्ड्स आपको एडजस्ट करने हैं, जैसे कि आपका नेम सेम, उसको आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे लाइए, इसको छोटा कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और इसको जितना हो सके फोटो के पास में लगाइए यहाँ इसको, ठीक है ना, इसको फोटो के पास में लगाइए। उसके बाद फादर नेम को भी ऐड कर दीजिए। फादर नेम ऐड करने के बाद यहाँ से दोस्तों यहाँ से ऐसे आ जाएगा आपका फादर्स नेम। उसके बाद एड्रेस भी आ जाएगा आपका यहाँ से, एड्रेस भी आपको लगा लेना है बिल्कुल ही आराम से। अब इसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसको, क्योंकि हमने मीमो सिलेक्ट किया है इसका जो डेटा टाइप है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे क्लास को, क्लास भी यहाँ से हम इसको इस तरीके से यहाँ से सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ऐड करना है मोबाइल नंबर को, मोबाइल नंबर को भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर आपका जो वे होता है उस तरीके से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा डिटेल्स, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप जो है सिग्नेचर का फील्ड भी लगा सकते हैं, सिग्नेचर का कॉलम भी फील्ड भी यहाँ से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लग जाएगा यहाँ से। सेम उसको यहाँ पे आपको कॉपी करके ऐड टू फील्ड व्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस सेव कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम इस डिज़ाइन को ओपन करते हैं, कैसा दिख रहा है देखिए, इस तरीके से कुछ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे डिटेल्स कहाँ है, डिटेल्स तो हमने डाला ही नहीं है अभी तक, तो ये कैसे दिखाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो टेबल है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए राहुल हो गया, राहुल का पापा का नाम है कार्तिक, और यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डाल दिया हमने कोलकाता, और यहाँ पे क्लास हमने डाल लिया क्लास 10, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी एक डाल लेना है, ठीक है। और ये और मोबाइल नंबर ये हमारा है जो है दोस्तों फोटो फील्ड है, फोटो भी ये जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ये डबल क्लिक करोगे ये पैनल ओपन होगा, यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से आपको पिक्चर फॉर एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोटोज है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अभी आपको करना है यहाँ से ओके, और आपको कर देना है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस कर दिया मतलब सेव हो गया। और अभी आपको जाना है आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों इस तरीके से सिंपल वे में आपका जो है डिटेल्स यहाँ पे बहुत ही आसानी से शो कर रहा है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हो, और वो ये है कि यहाँ पे जो है आप जब भी कोई भी नए नए जब स्टूडेंट्स का डिटेल्स एंट्री करोगे, मान ली और एक स्टूडेंट का डिटेल्स एंट्री करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया कुणाल, ठीक है, उसका पापा का नाम है हरीश, और उसका जो घर है वो मुंबई में है, और उसका भी क्लास 10 है, मोबाइल नंबर भी उसका मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक ज़्यादा नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो अटैचमेंट है उस पर क्लिक करना है, ऐड भी क्लिक करना है, और वहाँ पे जो फोटो है वो फोटो भी आपको ले लेना है, और यहाँ से कर देना है ओके। अभी आपको करना है कंट्रोल एस कट, आपको करना है ओपन। देखिए ऑटोमेटिक जो है आपका दूसरा आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक दोस्तों जेनरेट हो चुका है। अब जितने भी स्टूडेंट्स का डिटेल्स यहाँ पे एंट्री करोगे उतना ही स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक बन के नीचे 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 साइड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कि जो है काम होता है एडमिट कार्ड, या आप एडमिट कार्ड भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने आईडेंटिटी कार्ड दिखाया, आप कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना होता है एक्सेस में, एमएस एक्सेस में, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही, आप इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, आप सॉलिड कलर भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐसे दिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट कर दोगे तो सही निकलेगा बिल्कुल, ठीक है।
इस तरीके से आप कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो इतना ही, और आपको दोस्तों वीडियो आप समझ में पाए हो और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो और इस तरीके से आप कंप्यूटर एजुकेशन सीखना चाहते हो कि इस चैनल पे आपको कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को साथ ज़रूर जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, ठीक है दोस्तों।